जय माँ विंध्यवासिनी। मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा आज एक विशेष गोचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो गोचर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह परिवर्तन प्रत्येक राशि पर, मेष से लेकर मीन राशि, प्रत्येक राशि पर अपना प्रभाव डालेगा। और यह घटना 18 महीने के बाद यानी 1.5 वर्ष के बाद होने जा रही है। मैं राहु ग्रह का बात कर रहा हूँ। प्रत्येक ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसमें राहु 1.5 वर्ष में, शनि 2.5 वर्ष में। यह एक अलग विषय है, इस पर मैं बाद में आपको किसी भी अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। आज मैं राहु के बारे में बताने जा रहा हूं। राहु 30 अक्टूबर को 18 महीने के बाद अपना गोचर चेंज करके मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। अब किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं उसका विस्तृत आपको जानकारी देना चाहता हूं। राहु ग्रह जो है वह अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत खतरनाक ग्रह है। किसी भी जातक के जीवन में अचानक जो कोई घटना, दुर्घटना, हानि, लाभ जो भी होता है वह राहु ग्रह के प्रभाव से होता है। राहु ग्रह यदि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता भी है तो उसी प्रकार से लेता है। राजा को कब रंक बना दे, रंक को कब राजा बना दे, यह राहु ग्रह डिसाइड करता है। राहु को ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। यदि किसी जातक कुंडली में राहु अच्छा है तो वह जरूर धनवान बनेगा। राजनीति में भी राहु का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं राहु ग्रह पर प्रकाश डाल रहा था, अब मैं आप लोगों को राहु ग्रह किस राशि पर क्या प्रभाव डालेगा मैं उसका बारे में बताने जा रहा हूँ। राहु ग्रह, सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेष राशि वाले जातक का कुंडली में या गोचर का जो परिवर्तन जो हो रहा है उसमें राहु का जो प्रभाव होगा उनका खर्च को अचानक बढ़ा देगा। हो सकता है खर्च कोई बीमारी वगैरह पर, रोग शत्रु पे हो, या यदि इनके बच्चे विदेश में पढ़ाई लिखाई कर रहे हों तो उस पे भी राहु खर्च इनका अचानक बढ़ा देगा। और दूसरी बात जो है, यदि कोई प्रॉपर्टी या घर खरीदने जा रहे हों या जमीन के लिए, लैंड के लिए पैसा दिए हों तो उसमें उनको सावधान रहना पड़ेगा, वरना राहु इनको फंसा देगा। और हो सकता है पैसा इनका बहुत लंबे समय तक फंसा रहे। वाहन वगैरह का यदि खरीद के बारे में सोच रहे हों तो उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। कभी इनका कलर पसंद नहीं होगा तो मॉडल और टॉप स्टॉक हो जाएगा, इस तरह की समस्या इनको आ सकता है। तो घर, वाहन, यह सब चीज़ में भी दिक्कत का अनुभव होगा। सुख की कमी होगी, इनको मेहनत या इधर उधर की ज़्यादा घूमना पड़ेगा, शांति से यह नहीं रह सकते हैं। उसके बाद यह भी हो सकता है यदि सेहत में यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आपको सावधान रहना चाहिए, आपका सेहत को भी बिगाड़ सकता है, आपका सेहत को बिगाड़ सकता है। और यह भी हो सकता है जो कोई ऑपरेशन वगैरह भी करवाने का योग बना दे। तो इसीलिए ये जो समय जो आ रहा है, गोचर जो चेंज हो रही है राहु को, इसमें आपको विशेष सावधान रहना चाहिए और राहु ग्रह को खुश करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि राहु यदि खराब रहेगा तो आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है। बिजनेस व्यापार में भी आपको नुकसान हो सकता है, इन्वेस्ट वगैरह भी करते हैं वहाँ भी आपको लाभ नहीं होगा। तो इसका जो गोचर का प्रभाव आपको इसी तरह से पड़ने वाला है, और इसको बचने के भी मैं उपाय लास्ट में बताऊंगा, जो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे राहु का प्रकोप, प्रत्येक राशि वाले के लिए मैं सेम ही उपाय बताऊंगा, अलग अलग नहीं।
जिसे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब मैं या फिर किन्हीं को ज़्यादा समस्या हो तो हमसे अपॉइंटमेंट लेके अपने आप को दिखा सकते हैं, मैं आपको उपाय बता दूंगा। अब मैं वृष राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। वृष राशि वाले जातक, राहु ग्रह जो है वह आपके इनकम पे चोट कर सकता है, और यह भी हो सकता है यदि राहु को आप खुश कर ले तो इनकम अचानक आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, अचानक धन लाभ हो जाए, लॉटरी वगैरह में आपको लाभ हो जाए, ऐसा राहु आपके लिए कर सकता है। क्योंकि वृष राशि में राहु उनका मित्र होता है, तो मित्रवत व्यवहार करेगा तो आपको धन लाभ अचानक करवाएगा, आपका इनकम का सोर्स को बढ़ाएगा। उसके बाद एक यह निगेटिव कर सकता है राहु, जो आपके रिश्तेदार से खासकर ससुराल पक्ष से रिश्ता किसी कारणवश आपका खराब कर दे, अविश्वास पैदा कर दे ससुराल पक्ष वालों से। लड़का लड़की के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी भी जातक लड़का हो या लड़की, उनका ससुराल से अविश्वास हो कर सकता है, इसीलिए वहाँ पे रिश्ता बचाने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए और अकड़ के नहीं रहना चाहिए। थोड़ा समय की बात होगी, आपको धैर्यपूर्वक इस समय को काटना चाहिए। उसके बाद संतान पक्ष से भी आपको समस्या ला सकता है, यदि यह भी हो सकता है जो आपके संतान के करियर के लिए के पढ़ाई लिखाई के लेके उनका व्यवहार के लेकर आप परेशान रहें, यह वृष राशि वाले के लिए ऐसा हो सकता है। और यह भी हो सकता है जो जीवन साथी से अनबन या तूतू में हो जाए, इसीलिए धैर्यपूर्वक आपको अपना समय को पास करना है। बिजनेस व्यापार में आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो राहु कुछ दिन तक आपके व्यापार को मंदा कर सकता है, ऐसा गोचर से दिख रहा है। यदि प्रेमी प्रेम का है तो यह भी हो सकता है एक दूसरे में अविश्वास से आपका रिलेशन दोस्ती में खटास आ जाए, ब्रेकअप हो सकता है। अब मैं मिथुन राशि के बारे में बताना चाहता हूँ, जो राहु ग्रह का गोचर आपको कैसा फल देगा। मिथुन राशि वाले जातक, आपका यदि पुलिस खुफिया एजेंसी का यदि नौकरी है तो उसमें तो आपका बढ़पन होगा, प्रमोशन वगैरह मिलने के संभावना पूरा है, वह आपको अच्छा दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन एग्रेसिव आपको करेगा तो एग्रेशन से आपको बचना है, नहीं तो आपके कलीग आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। दूसरा प्रभाव इसका ये होगा, जो आपके आपका धन जो है संचित धन को कोई भी चीज़ में वह फंसा सकता है, आपसे निकलवा सकता है। यह भी हो सकता है जो आप अच्छे चीज़ में इन्वेस्ट वगैरह भी कर लें, लेकिन संचित धन को वह आपसे हटवाएगा, कम करेगा, आपके इनकम जो है बचा हुआ धन उसको वह नुकसान कर सकता है। यह भी हो सकता है कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो तो उस पर आपको नुकसान का अनुभव हो। उसके बाद आपका जो रोग और शत्रु होगा उसको वह ठीक करेगा, शत्रु को वह परास्त कर देगा, उसको मिट्टी के में मिलाने का काम करेगा राहु ग्रह। जो मिथुन राशि वाले जातक जो आपसे शत्रुता होगा पुराना, वह ठीक हो जाएगा, आपका आपका फेवर में आएगा, आपके रोग शत्रु का समन हो जाएगा, यह आपके लिए एक अच्छा चीज है। तो आप कर सकते हैं, जो मिश्रित फल है, कहीं धन का नुकसान है, कहीं प्रमोशन भी है कार्य क्षेत्र में, और रोग शत्रु का नुकसान है, माने आपको आपके फेवर में है। कोई लड़ाई झगड़ा पुरानी होगी उसमें भी कोर्ट कचहरी में आपकी जीत राहु ग्रह करवा देगा। तो मिला जुला के आपके लिए अच्छा है। और एक चीज यह कर सकता है, आपके भाग्य से कोई अच्छा कार्य होने वाला होगा तो उसको थोड़ा सा लेट कर देगा,
यदि कोई नौकरी वोकरी में आप रिजल्ट आया है तो वहाँ पे हो सकता है उसका 15 दिन के बदला 1 महीना 30 दिन थोड़ा सा वह कर सकता है, लेकिन मिला जुला के कह सकते हैं आपका अच्छा है। अब मैं कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। कर्क राशि वाले जातक, राहु ग्रह आपके भाग्य को खराब करने का कोशिश करेगा। आपको भाग के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, खूब मेहनत खूब कर्म आपको करना चाहिए, तब आप सफल हो जाएंगे बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, चाहे जो भी पैसा कर रहे हैं, आपको मेहनत करना चाहिए क्योंकि आपके भाग को वह इफेक्ट करेगा। दूसरी बात है, आपके मानसिक परेशानी भी आपको वह दे सकता है। कोई ना कोई बात का चिंता आपको बना रह सकता है, अपने सेहत के लेके, जॉब के लेके, व्यापार के लेके, संतान के लिए, कुछ भी लेके आपका मानसिक टेंशन आपका बनाएगा। साथ में आपको अपने संतान को लेकर भी समस्या हो सकती है, राहु ग्रह ऐसा कर सकता है। संतान यदि कोई प्राप्ति करना चाहे तो उसमें उनको लेट कर सकता है। और एक चीज में सुधार हो सकता है, यदि आपका सेहत से यदि कोई खराब हुआ हो तो उसमें वह सुधार कर सकता है, ऐसा राहु का जो है वह दिख रहा है। तो राहु से घबराने की जरूरत नहीं, राहु ग्रह को समझने की जरूरत है, उसका उपाय करके अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, ऐसा करते हैं तो। क्योंकि राहु का गोचर है, यह आता और जाता रहता है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना चाहिए। अंग में सिंह राशि वाले जात को कहना चाहता हूं, जो राहु का गोचर आप पे कैसा प्रभाव डालेगा। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातक को सबसे पहले उनका थोड़ा सा मार्केज का काम वहां पर राहु कर रहा है, तो उनको अपने सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए, खान पान रहन सहन पे उनको ध्यान देना है। उसके बाद उनका खर्च अचानक बढ़ा सकता है, लेकिन विदेश से जुड़े मामले में उनको खुशखबरी मिल सकता है, या विदेश जाना चाहते हैं तो। उसके बाद उनको प्रॉपर्टी या जमीन खरीदना चाहते होंगे सिंह राशि वाले, तो उसमें उनको एकदम सावधान रहना है, नहीं तो वह उलझन में समझ फंस जाएंगे, ठगी का शिकार हो सकते हैं, कोई गलत आदमी से आपका डील करवा सकता है, अचानक कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल सावधान रहना है, सोच समझ के एग्रीमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो जरूर आपको धैर्य रखना चाहिए, और अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेम का या बिजनेस व्यापार जो भी हो उसमें आपको पूरा ध्यान देना है, नहीं तो आपके पति पत्नी या प्रेमी प्रेम का रिलेशनशिप में थोड़ा सा अविश्वास पैदा कर सकता है, बिजनेस व्यापार को मंदा भी कर सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्यपूर्वक रहेंगे सब ठीक हो जाएगा, और इसका मैं उपाय बताऊंगा लास्ट में किस तरह से राहु ग्रह को अब कंट्रोल में किया जाए। अब मैं कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूं। कन्या राशि वाले जातक, राहु ग्रह आपका पर्सनल रिलेशन खराब करेगा, सबसे पहले उस पर इफेक्ट डालेगा, आपके व्यापार पर बिजनेस पर बुरा प्रभाव डालेगा, उसमें नुकसान या मंदी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे आपको वह नुकसान डाल सकता है। दूसरी बात जो है वह आपके इनकम के सोर्स को कम करेगा, आप जो भी बना बनाया हुआ जुगाड़ लगाए होंगे अपने इनकम को बढ़ाने के लिए वह उसको खराब करेगा, और आपका इनकम को कम कर देगा, इन्वेस्टमेंट से जो लाभ होने वाला उसको कम कर देगा, मकान वगैरह यदि रेंट पे होगा तो वहाँ पे अचानक मकान खाली हो जाएगी, जहाँ से आपको जो अन्य सोर्स है आपका इनकम का है वह उसको रोकने का कोशिश करेगा, और आपका मानसिक परेशानी भी बढ़ाएगा, किसी भी चीज़ का मानसिक परेशानी हो सकता है, सेहत या अपना दुकान बिजनेस व्यापार पर्सनल रिलेशन सब के लेके। उसके बाद आपका रिश्तेदार से भी रिश्ता को वह खराब करेगा, खासकर ससुराल से,
साला साली सास ससुर से किसी भी प्रकार का कोई अविश्वास हो जाएगा जिससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। लेकिन एक चीज में फायदा करेगा, यदि कोई रोग शत्रु कोई शत्रुता आपसे करना चाहता हो उसको वह शांत कर देगा, आपके फेवर में फैसला होगा, कोर्ट कचहरी में कोई पहले से मुकदमा चल रहा होगा उसमें आपकी जीत को दिला देगा और आपको अच्छा भी कर सकता है सेहत के भी दृष्टि से। अब इसको आगे बढ़ाते हुए राहु के गोचर का प्रभाव मैं अब तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक, राहु का गोचर का प्रभाव जो है वह आपको शत्रुहनता बना रहा है। जिन जो भी जातक आपका आपसे शत्रुता का भाव रखता होगा या शत्रु आपका कोई पुराना होगा या कोई रोग पुराना होगा वह समाप्त हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामला में भी आपको जीत मिलेगा। यह राहु का पहला जो है वह दिख रहा है। दूसरा इसका जो पहलू है आपके काम करने का या जो यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें वहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। आपके काम के तरीके को हो सकता है लोग पसंद नहीं करें जिससे आपकी समस्या आ जाए या आपके बॉस भी आपके कार्य से सहमत ना हो और वहाँ पे आपको समझाने में या उनको अपने तरफ खींचने में आपको दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है। और धन का भी नुकसान होने की संभावना है, आपको सोच समझ कर खर्च करना चाहिए नहीं तो आपका धन अचानक लगेगा जो आपका धन किसी कहीं गलत जगह पे जा रहा है। और आपका एक चीज और अच्छा होने वाला है तुला राशि वाले, आपके संतान पक्ष से जो भी समस्या आपकी होगी वह ठीक हो जाएगा राहु ग्रह के कारण। आपके संतान के से उनके स्वास्थ्य सेहत पढ़ाई लिखाई रोजगार हर दृष्टि से वह राहु आपको अच्छा फल देगा अपने इस 18 महीना के गोचर में, तो यह आपके संतान के पक्ष के लिए अच्छा है। जिन जातक तुला राशि वाले को संतान नहीं हुआ वह संतान चाहते हो तो वह भी संतान आसानी से माने में यदि वह कोशिश करेंगे तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं वृश्चिक राशि वाले के बारे में बताना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि वाले जातक, राहु जो है वह आपको सबसे पहले संतान को लेकर चिंता पैदा करेगा। यह भी हो सकता है जिन जातक को संतान नहीं हो और संतान का प्राप्ति कर रहे हो उनको अचानक एवर्सन का सामना करना पड़ जाए, तो यह ऐसा दिख रहा है वृश्चिक राशि में। लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए, उचित डॉक्टर से एकदम कॉन्टेक्ट बना के आना चाहिए जिससे आपका यह समस्या टल जाए। उसके बाद आपके भाग को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। भाग के दम पे यदि आप चाहते हैं कुछ कर लें तो नहीं, आपको मेहनत करवाएगा, इधर उधर भाग दौड़ भी राहु ग्रह आपको करवा सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट सबके बारे में अभी आपको एकदम धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। यदि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें भी आपको इंतजार करना चाहिए सफल होने के लिए। लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका इनकम का सोर्स जो है वह बढ़ेगा, नहीं यदि मेहनत करते हैं तो वह धीरे धीरे घटता जाएगा। और आपका मानसिक तनाव भी इतना समस्या रहेगा तो आपको मानसिक तनाव ऑटोमेटिक आएगा तो वह भी आपको झेलना पड़ सकता है। मैं राहु ग्रह के बारे में कह रहा हूँ, राहु ग्रह थोड़ा सा और ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, इनका प्रिडिक्शन करना भी उतना आसान नहीं है। कोई योग और समझदार एस्ट्रोलॉजर ही माने इनको चाल को देखते हुए बोल सकते हैं, इसीलिए मैं आप देखते हैं प्रत्येक राशि में कुछ अच्छा कुछ बुरा इस तरह का हो रहा है तो 18 महीना में इस तरह का उनका वो स्वभाव है। तो आप लोग सुन रहे हैं गौर से सुनिए, अब मैं उपाय बताऊंगा, उपाय को आप जरूर करें तो आपको जरूर राहु ग्रह से शांति मिलेगा और हर प्रकार से आपको अच्छा होगा। अब मैं धनु राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। धनु राशि वाले जातक, राहु आपका
सुख बढ़ा सकता है। कारी घोड़ा बंगला का सुख आपको दे सकता है, यदि घर उर खरीदने का, प्लॉट खरीदने का यदि प्रोग्राम होगा उसमें आपको बेनिफिट दे सकता है, लाभ दे सकता है। लेकिन यह हो सकता है माता जी के सेहत से लेके आपको परेशानी का सामना करना पड़े। यदि खरीद प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद यदि ये राहु जो है आपको एक चीज का नुकसान, आपके सेहत को लेकर समस्या पैदा कर सकता है, हो सकता है जो कोई पुरानी बीमारी हो उसमें ऑपरेशन का नौबत वह ला दे। यदि मार्केश ग्रह वगैरह आपका होगा कुंडली में तो आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, कहीं दूर का यात्रा करने से भी आपको सोच समझ कर यात्रा करना चाहिए। और आपके खर्च को अचानक बढ़ा देगा, यह ऐसा दिख रहा है, अचानक आपके खर्च को बढ़ा देगा। विदेश से जुड़ी मामला में भी आपको बैड न्यूज मिल सकता है, विदेश यदि जाना चाहते हो तो उसमें राहु आपका रोक सकता है धनु राशि वाले। लेकिन एक अच्छी बात होगा आपके लिए, गुड न्यूज यह रहेगा, आपका ससुराल पक्ष से यदि किसी भी कारण से पति या पत्नी को लेकर ससुराल से रिलेशन गड़बड़ हो वह सुधर सकता है, वह राहु आपका रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। तो मिला जुला का असर सबको पड़ रहा है, किसी थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। अब मैं मकर राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातक का पराक्रम में वृद्धि होगा, उनके काम करने की शक्ति को राहु बढ़ाएगा, उनके कॉन्टेक्ट अच्छे अच्छे करेंगे, उनके पराक्रम में वृद्धि होगा। और जो उनका रिश्ता किसी भी कारण से बिगड़ गया होगा तो ऐसा दिख रहा है जो ससुराल पक्ष से उनका रिश्ता सुधर सकता है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इधर तो ससुराल पक्ष से रिश्ता सुधरेगा, लेकिन हो सकता है अपनी पत्नी से ही थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए और बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करना पड़े, इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा रुकना चाहिए, नहीं तो राहु आपको फंसा सकता है, इन्वेस्टमेंट में नुकसान आपको दिलवा सकता है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राहु ग्रह आपके भाग में वृद्धि कर सकता है, हो सकता है अचानक आपको भाग उदय करवा दे, ऐसा मकर राशि वाले का दिख रहा है। कोई पुराना सपना हो, कोई पुराना धन जो फंसा हुआ हो वो अभी आपका अचानक आ सकता है, और आपको धन लाभ भी हो सकता है मेहनत करने से आपके किसी न या अचानक धन लाभ होगा। कोई पुराना काम अगर आप किए हों, शेयर स्टॉक का, बिजनेस का, जमीन जाल का या किसी भी प्रकार का कोई काम हो तो अचानक आपको बेनिफिट राहु जो है दे सकता है। और मैं कुंभ राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातक राहु ग्रह का जो गोचर है वह आपको धन का लाभ देगा, आपको अचानक धन लाभ करवाएगा, हो सकता है आपके किस्मत के तारे बुलंद हो जाए और आपको लॉटरी सट्टा या शेयर स्टॉक से आपको बेनिफिट मिल जाए। स्टॉक शेयर में बोल रहा हूँ भाई, एक्सपर्ट के सलाह पर भी आपको करना है या मेरे कहने पे नहीं, अपना या अपने मन से, क्योंकि समय अच्छा है और रोग शत्रु को यह बढ़ा सकता है। कोई पुरानी बीमारी हो तो उसको बढ़ा देगा या कोई शत्रु होगा उसको वह भड़का सकता है, पुलिस वगैरह का लड़ाई झगड़ा करवा के मुकदमा वगैरह आप पे ठुकवा सकता है। तो यहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो मैं लड़ाई सबसे ये आपको अपने आप को बचाना चाहिए, और सेहत में यदि कोई समस्या होगी तो उसमें आपको लगेगा जो सुधार हो रहा है, कोई गैस वगैरह इस सब का यदि प्रॉब्लम हो, पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो लगेगा जो भाई आपका सुधार हो रहा है, लेकिन रोग शत्रु के कारण हो सकता है आपको मानसिक परेशानी राहु प्रहार दे, ऐसा भी दिख रहा है।
उसके बाद मैं मीन राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। मीन राशि वाले जातक, राहु आपके मानसिक स्थिति को सबसे पहले बिगाड़ेगा। आप उदास उदास रहेंगे, दोस्तों से दूरी बना कर रखेंगे। हो सकता है जो आप अपने कार्य क्षेत्र में असफल हो गया हो, डिप्रेशन में हो, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। संतान के पक्ष से भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है, उनको करियर वगैरह इस सब को लेकर। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको एबॉर्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यदि उनके कुंडली में ग्रहण दोष वगैरह हो, राहु का दृष्टि उनके संतान भाव पे हो, तो ऐसा संभव हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहना है और डॉक्टर के सलाह उचित समय पर लेना है। पति पत्नी में भी आपसी रिलेशनशिप में, दोस्ती में, यह सब में समस्या आ सकती है। प्रेमी प्रेम का हो तो वहाँ भी अविश्वास आपको वह राहु ग्रह करवा सकता है, ब्रेकअप हो सकता है या नई रिश्ते की तलाश भी आप लोग कर सकते हैं। और भाग को खराब करेगा तो कर सकते हैं, जो मीन राशि के लिए अच्छा नहीं है। ये कंपटीशन वगैरह का यदि वह एग्जाम उग्जाम दे रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा उनको सफलता होने के लिए, सफल होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैंने राहु के गोचर का मेष राशि से लेकर मीन राशि एक एक का बताया। अब हम बोल यह कहना चाहते हैं राहु ग्रह के दुष्प्रभाव को कैसे रोके, उससे कैसे बचा जाए, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप राहु कवच का पाठ करें, 30 अक्टूबर से चालू कर दे हर आदमी, जिन जिनको राहु से में समस्या दिख रहा हो। उसके बाद राहु के का मंत्र ओम राम राहु नमः मंत्र या ओम राम राहु नमः मंत्र का कम से कम 5-10 मिनट या 3-5 माला रुद्राक्ष के माला से जाप करें। हनुमान कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं, फायदा पहुंचाएगा, और दुर्गा सप्तशती के कवच का भी, दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का भी पाठ करना राहु के दशा, महादशा, अंतर्दशा, गोचर सब में फायदा करता है। जिनका राहु पहले से मार्केश हो कुंडली में और उनको यदि दिखे गड़बड़ है तो उनको योग पंडित से सलाह लेकर कुंडली दिखवाकर महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करवाना उचित रहेगा, नहीं तो राहु समस्या में आपको डाल सकता है। आप बायोस्कोप न्यूज देख रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। जय माँ विंध्यवासिनी, धन्यवाद। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।